हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम आज फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इंटरफेस क्या होता है। बिलीव मी, अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू रूम। ओके, तो इंटरफेस क्या होता है, क्यों हम इंटरफेस को यूज करेंगे और इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा आज यहाँ पे। तो आप देखिए, अभी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कि मैंने आपको कहा था एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, कि ऐसी मेथड जिनकी ओवरराइडिंग डिराइव क्लास में कंपलसरी होती है और जो नॉन कस्टमाइज मेथड होती है, कि यदि आपको इन मेथड को यूज करना है तो यू मस्ट ओवरराइड दिस मेथड इन डिराइव क्लासेस। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने वाली यह है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का इनहेरिटेंस कंपलसरी है, कि विदाउट इनहेरिटेंस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज नहीं कर सकता, यह तो क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, अब मुझे दोनों की मेथड अपनी क्लास में चाहिए। कि फॉर एग्जांपल, यदि मैंने ये बोला कि बॉस दिस क्लास ए इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, मतलब इंटरफेस के पहले आई होप आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्योंकि जो डेफिनेशन में भी इंटरफेस के देने वाला हूं उसको समझिए, इंटरफेस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जब इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के का रिप्लेसमेंट जो है वो इंटरफेस है, जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखिए, यदि मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए है, इसमें कोई मेथड है और इसमें भी मेथड है, अब आपको एक क्लास में इन दोनों की मेथड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिना इनहेरिटेंस के वर्क नहीं करेगी। तो मैं एक क्लास को दो क्लास से एक्सटेंड नहीं कर सकता ना, क्योंकि जावा डोंट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जावा ने इंस्टेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहां पर हमें क्या सजेशन दिया है, यू शुड गो फॉर इंटरफेस कॉन्सेप्ट। क्योंकि इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड द वेरिएबल ऑफ इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड फाइनल। कि इंटरफेस बनाया ही इसीलिए जाता है कि जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है तो बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के आप एक इंटरफेस को डिजाइन कर लीजिए, और इंटरफेस में जो मेथड आप लिखेंगे वो मेथड बाय नेचर ही एब्स्ट्रैक्ट होगी, मतलब ऐसी मेथड जिसकी खुद की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती है। तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो रिप्लेसमेंट है वो होता है इंटरफेस। फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या, अ क्लास वो इज हैविंग ऑल द मेथड आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ऐसी क्लास जिसकी सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये कहलाती है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह हम जावा में क्या यूज करते हैं, इंटरफेस। लेकिन अब आप समझना कि जब हम जावा में किसी क्लास को क्लास से इनहेरिट करते हैं, है ना, कि मान लीजिए अगर मैंने क्लास को क्लास से इनहेरिट किया है तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंड, ये कहलाता है एक्सटेंड। लेकिन जब एक क्लास किसी इंटरफेस से इनहेरिट होती है तो इसको हम कहते हैं इंप्लीमेंट्स। ओके, कि मान लीजिए अगर एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस से मैं इस क्लास को इनहेरिट कर रहा हूं, तो यहां पर हम इसको बोलेंगे इंप्लीमेंट्स। अ क्लास इज इंप्लीमेंट्स बाय एन इंटरफेस, बट अ क्लास इज एन एक्सटेंडेड बाय अ क्लास। तो हम स्टेटमेंट ये देते हैं कि जावा में एक क्लास केवल एक क्लास से एक्सटेंड हो सकती है, बट अ क्लास कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय मोर देन वन इंटरफेस। तो जब भी हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है, सो द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर इंटरफेस, कि वहां पर हम इंटरफेस को यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपको सेम एग्जांपल जो हमने लास्ट क्लास में लिया था वही इंटरफेस के साथ बताता हूं, कि इंटरफेस को यूज करके हम किस तरीके से एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए, ये इंटरफेस है एरिया, इंटरफेस का डिक्लेरेशन हम करते हैं इंटरफेस कीवर्ड के साथ। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इंटरफेस क्यों हम यूज करने जा रहे हैं, बिकॉज ये रिप्लेसमेंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। कि बजाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के बेटर है आप किसको बनाएं, इंटरफेस को। तो इंटरफेस में आप देखिए, यदि मैंने एक मेथड लिख दी, मान लीजिए मैंने इसमें एक मेथड लिख दिया एरिया, तो ये मेथड बाय डिफॉल्ट कैसी है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। और यदि मैं इसमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, सपोज डबल, ठीक है, मैंने लिख दिया डबल पाई, ठीक है, इक्वल टू 3.14। तो ये जो वेरिएबल है यह बाय डिफॉल्ट किस नेचर का वेरिएबल है, इट इज अ फाइनल वेरिएबल। फाइनल मतलब आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल थ्रू आउट द एप्लीकेशन, आई डोंट यूज, देर इज नो नीड टू यूज फाइनल कीवर्ड हियर, एंड देर इज नो नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हियर, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नेचर है मेथड का और वेरिएबल का। लेकिन अब अगर मुझे इंटरफेस को किस मेथड को इंप्लीमेंट करना है, तो आप समझिए हर इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है।
एंड बिलीव मी जो आगे का जावा है एडवांस जावा है दैट इज मोस्ट इज बेस्ड ऑन द इंटरफेस कॉन्सेप्ट और देर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन जो इंटरफेस से रिलेटेड टॉप मोस्ट एमएनसीज में पूछे जाते हैं जो कि आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे जो कि टेक विद्वान की साइट पर आपके लिए अवेलेबल है कि किस तरीके के क्विजेस किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरफेस को लेकर पूछे गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने वहां पर हर टॉपिक वाइज हर चीज को रेडी किया है कि अगर इंटरफेस हो तो इंटरफेस के टॉप मोस्ट एमएनसीज के क्वेश्चंस कौन से हैं इंटरफेस के क्विजेस कौन से हैं इंटरफेस के असाइनमेंट्स क्या हैं हर टॉपिक वाइज वहां पर आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो आप एक बार टेक विद्वान की साइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर पूरा प्लेसमेंट रेडी कोर्स कोर जावा का मिलेगा जिसमें आपको ये टॉपिक इंटरफेस भी मिलेगा लेकिन कॉर्पोरेट लेवल तक कि किस तरीके से क्लासरूम से कॉर्पोरेट में पहुंचना है वहां पर आपको समझ में आएगा राइट। तो आप देखिए यहां पर अभी हम अगर बात करें अभी फिलहाल दो कि ये इंटरफेस है एरिया अब इसमें यह मैथड है लेकिन अब मैं इसकी दो इंप्लीमेंटेड क्लास बनाता हूं। तो मैंने क्या लिखा क्लास सर्कल। इस क्लास सर्कल को हमने इंप्लीमेंट किया किससे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया इंप्लीमेंट्स एरिया मतलब एक्चुअली आप समझिए इंटरफेस को यह भी कहा जाता है कि इंटरफेस इज बेसिकली यूज टू मेक एन एप्लीकेशन लूजली कपल्ड जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरफेस की। जब भी आपको अपने एप्लीकेशन को लूजली कपल्ड बनाना है तो लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जावा में इंटरफेस को यूज करते हैं और इंटरफेस किस तरीके से लूजली कपल्ड एप्लीकेशन बनाएगा देखो आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा कि मेरी पहली इंप्लीमेंटेड क्लास कौन सी है सर्कल जिसमें मैंने इस एरिया मेथड को ओवरराइड किया हुआ है और यह ध्यान रखना कि इंटरफेस में जितनी भी मेथड हैं उन सबकी ओवरराइडिंग डायरेक्ट क्लास में कंपलसरी होती है। तो यहां पर आपने लिख दिया चलिए पाई तो आ गया यहां पर आपने डबल ले लिया एरिया नाम का सॉरी रेडियस जिसको मैं अभी फिक्स कर देता हूं रेडियस मैंने कर दी मान लो 13.14 ए आपने ले लिया फॉर एरिया और यहां मैंने लिख दिया ए इक्वल टू पाई इंटू आर। तो आप देखिए दिस इज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड। सेम एग्जांपल है अगर आपने पिछला एग्जांपल देखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला तो ये सेम एग्जांपल है केवल डिफरेंस ये है कि वो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से बनाया था और ये मैं इंटरफेस से बना रहा हूं। यहां मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मैं अभी सर्कल क्लास को मैंने इंप्लीमेंट किया है एरिया से लेकिन अभी मैं इसको और पांच इंटरफेस से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं एंड दैट इज वॉट मल्टीपल इनहेरिटेंस। और वो क्लास एक क्लास से एक्सटेंड तो हो ही सकती है मतलब मैं इसको एक क्लास से और एक्सटेंड भी कर सकता हूं। तो इंटरफेस का एडवांटेज ये होता है कि आप अपनी क्लास को मल्टीपल इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये भी ध्यान रखिए जैसे क्लास की डॉट जावा डॉट क्लास फाइल होती है इंटरफेस की भी डॉट जावा और डॉट क्लास फाइल होती है कि अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो बाकायदा इस इंटरफेस की डॉट क्लास फाइल अलग बनेगी जिसमें इसका बाइट कोड होगा ओके। तो चलिए यह पहला इंप्लीमेंटेशन हुआ मेरा। अब इसके बाद मुझे इसी इंटरफेस के साथ एक सेकेंड क्लास और इंप्लीमेंट करना है इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं राइट। अब इसके साथ एक सेकेंड क्लास को इंप्लीमेंट करना है फॉर व्हाट फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप देखिए मैंने फिर से क्या लिखा क्लास रेक्टेंगल और इसको भी मैंने इंप्लीमेंट किया अगेन आई इंप्लीमेंटेड इसको इंप्लीमेंट किया किससे अगेन एरिया के साथ और यहां फिर से हमने इस मेथड को ओवरराइड किया वॉइड एरिया और यहां पर हमने क्या लिख दिया यहां पर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कोड लिखा है जो भी कोड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लाइक एल इंटू विड्थ ठीक है आप एल और डब्ल्यू को डिक्लेयर कर दीजिए मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां पर आप कोड लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का तो आप देखिए सेम मैथड को मैंने यहां भी ओवरराइट किया सेम मैथड को मैंने यहां भी ओवरराइट किया बट दिस इज वॉट इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन की ये जो क्लास है ये इंप्लीमेंटेड क्लास है इस इंटरफेस की। अब देखिए जैसे हमने ये देखा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी भी डिफाइन नहीं होता है तो वैसे ही ध्यान रखिए एक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी हमेशा रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है किसके लिए उन क्लासेस के लिए तो उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेड क्लासेस है। लाइक अगर मैं इन मेथड को कॉल करूंगा तो मैं किस तरीके से कॉल करूंगा लेट्स सी ये देखो स्ट्रिंग एआरजीएस है ना यहां पर मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा इंटरफेस का तो मैंने लिखा एरिया ए वन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एरिया ए वन इक्वल टू न्यू सर्कल। लेट्स ये देखो कैसे एप्लीकेशन लूजली कपल्ड बनेगी आपको समझ में आएगा कि अगर मैंने अभी इस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है सर्कल के साथ तो ये एरिया मेथड ये वाली कॉल करेगा। अब आप सोचिए ऐसी जितनी भी लाइन ऑफ कोड है जहां पर आपने ये लिखा ए वन डॉट एरिया ठीक है और आपने 10 जगह लिखा हुआ है ए वन डॉट एरिया तो अभी हर जगह एरिया मेथड कौन सी चल रही है सर्कल की लेकिन इफ एनी मोमेंट यू वांट टू चेंज इट विद दिस वन इसकी बजाय इसको कॉल करना है तो आपको एक लाइन बदलनी है बस ये न्यू सर्कल की जगह लिख दो आप न्यू रेक्ट
और आपकी पूरी एप्लीकेशन रेक्टेंगल को लेके वर्किंग करना शुरू कर देगी। तो क्या होता है, जब हम एडवांस जावा पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, और हर डेटाबेस की कनेक्टिविटी के कोड अलग अलग होते हैं, इंसर्शन डिलीशन के कोड में चेंजेस थोड़े बहुत आते हैं। तो यदि आप ओरेकल से कनेक्शन करते हैं और मान लीजिए आपको अपने एप्लीकेशन में बाद में कनेक्शन चेंज करके MySQL करना पड़ा, तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी कि वो लूजली कपल्ड हो, क्योंकि अगर टाइटली कपल्ड हुई तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल लाइन ऑफ चेंजेस करना पड़ेंगे। और यहां पर फिर हम इंटरफेस को यूज करते हैं कि इंटरफेस को यूज करके जब एप्लीकेशन बनेगी तो वो एप्लीकेशन कैसी होगी, लूजली कपल्ड एप्लीकेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया है कि इंटरफेस किस तरीके से लिखा जाता है, इंटरफेस क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली एन इंटरफेस, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, कि जहां पर मैंने बहुत डिटेल में मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ इंटरफेस को एक्सप्लेन किया है, मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ मैंने इंटरफेस को एक्सप्लेन किया है। तो एक बार उसको विजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, स्पेसिफिकली जब आप क्लासरूम से कॉर्पोरेट तक जाना चाहते हैं, जब आप लर्निंग से अर्निंग में आना चाहते हैं। ओके, तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।